क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन कैसे किया है? पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला प्रश्न है मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हाँ सर, यानी कि मौर्य काल में नगर प्रशासन कैसा था इसका विवरण आपको बताना है। हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इतिहास विषय का है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगर इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो पहले अगर जो लिखने का तरीका है वो लिखेंगे मौर्यों का नगर प्रशासन, पहले लिखेंगे हेडिंग में, उसके बाद उसको डैश करेंगे, और डैश करने के बाद क्या लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में कौन, मेगास्थनीज, नाम सुनी हो, इसने हिंदी का पुस्तक लिखा था, मेगास्थनीज ने विस्तृत वर्णन किया, विस्तार से बताया है कि मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन कैसा था, और उसके विवरण के अनुसार नगर प्रशासन का निम्नलिखित रूप था, ऐसे पहले लिख लीजिएगा, उसके विवरण के अनुसार नगर प्रशासन का निम्नलिखित रूप था, और उसके बाद पॉइंट वाइज चलेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे क्या, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि नगर प्रशासन परिषद द्वारा संचालित होता था, जैसे डाबिनेज है ना, तो डाबिनेज नगर है, शहर है, तो किससे संचालित होता है, नगर निगम के द्वारा, तो ये मौर्य काल में भी नगर परिषद के द्वारा संचालित होता था, जिसमें कोई एक अधिकारी, जैसे डाबिनेज का अधिक कार्यपालक अधिकारी होता है, तो अधिकारी जो है वो उसका अध्यक्ष होता था, या कोई आम नागरिक को अध्यक्ष बनाया जाता था, जैसे भी आम नागरिक को होता है, चुनाव लड़ता है, आप लोग वोट देते हैं, तो एकदम सेम प्रोसीजर था, उसी को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, मौर्य काल में चला आ रहा था, उसी को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक नगर अधिकारी होता था और उसके अनुसार नगर चलता था। पॉइंट नंबर दो, तो पॉइंट नंबर दो में क्या है कि छह तरह की समितियों का चर्चा किया गया है, इसमें छह समितियां बनाई गई थी, और इस समितियों में जो होता था ये 30 सदस्यीय समिति होता था, यानी कि 30। पहला होता था शिल्प कला समिति, तो इसका काम होता था कि पूरे नगर में शिल्प कला के कामों को देखना, आर्ट को देखना। दूसरा वस्तु निरीक्षण समिति, यानी कि वस्तु का निरीक्षण करना। तीसरा वैदेशिक समिति, यानी कि बाहरी व्यापार को, विदेशी चीजों को ध्यान रखना। जनगणना समिति, इसका काम था काउंटिंग करना, जैसे मनीष है तो कितना स्मार्ट है, इसको काउंट करना होगा, तो कर सकती है कोई या कर सकता है कोई। उसके बाद है व्यापार वाणिज्य, बिजनेस और कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य समिति, बिजनेस और कॉमर्स। और छठा था कर समिति, यानी कि इसका काम था टैक्स, टैक्स पे ये काम करता था। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट नंबर थ्री, तो तीसरा में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक समिति में, ये समिति है, तो प्रत्येक समिति में 6 × 5 = 30, प्रत्येक समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे, 30 लोगों का ग्रुप था, 6 ग्रुप बना, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, 30 हो जाएगा। तो प्रत्येक समिति में 5-5 लोग कार्य किया करते थे। पॉइंट नंबर चार, पॉइंट नंबर चार में क्या है कि नगर में गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था मतलब स्पाई वाला काम, चोर पकड़ मार कैसे आएगा, जैसे तुम लोग यहाँ से कोचिंग से भाग जाते हो, तो मेरा गुप्तचर इतना मजबूत है कि वो बता देता है कि आप लोग अम्बेडकर पार्क घूम रहे हो कि गांधी पार्क घूम रहे हो। तो वैसी तरह मौर्य काल में भी गुप्तचर व्यवस्था थी, उसका दो तरीका था। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था संस्था, और दूसरा तरीका था संचार। तो संस्था में क्या होता था कि एक स्थान पर संस्थाओं द्वारा गठित होकर लोग भेष बदल बदल के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, मतलब कभी दाढ़ी लगा लेते, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते, कभी बाल, मतलब कुछ अलग अलग, जैसे मान लो कि माही है तो लड़का का रूप बना लेती, मनीष है तो लड़की का रूप बना के मनीषा हो जाता और इन्वेस्टिगेशन करने लगता, ठीक है। अब दूसरा रूप था वो संचार का था, तो संचार वाला में था कि जैसे साहिल है तो कभी घूमने चल जाता उधर मोमोज पार्क, कभी चल जाता पानीपुरी पार्क, अब घूम घूम के खाता भी, वहाँ देखता कि गर्ल्स का बेस्ट फ्लेवर क्या है। तो ये दो तरीका था, एक था संस्था और दूसरा था संचार। अब पांचवा पॉइंट में क्या है कि नगर को सुचारू से चलाने के लिए आवागमन की व्यवस्था की गई थी, कहाँ, जल और थल दोनों जगह पे, जमीन में भी अच्छा रोड बनाया गया था और पानी में भी अच्छा रोड बनाया गया था। पानी में रोड देखी हो, नहीं देखी हो ना, तो मैंने पानी जहाज सबका व्यवस्था, नावों का व्यवस्था था, मैंने वहाँ रोड नहीं बनाया गया था ऐसे सीमेंटेड, तो जल और थल का सुव्यवस्थित व्यवस्था किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले क्लियर करो, कोई डाउट किसी को,
शिल्प कला समिति, आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जहांगीर चित्रकारी का शौकीन था, मान चलो कि अगर मनीष जो है किसी का फोटो बना दे, मान लो कि मनीष माही का फोटो बना रहा है, अब फोटो बनाते बनाते ये स्मार्ट हो गया, स्मार्ट हो जाएगा तो उसको घमंड हो जाएगा, तो एक आंख बना के छोड़ देगा, तो दूसर का बनाने के लिए फिर तुमको आना पड़ेगा, चाहे फलत बना पड़ेगा, तो दूसर का आंख बनाएगा तो हम मान लो किसी उस टाइम के लिए जहांगीर हो जाएंगे, हम देख के बता देंगे कि मनीष बनाई है कि फलत बनाया है। क्लियर हो गया? धोनी के बात कर रहे हैं ना। और कोई क्वेश्चन किसी को? दूसरा क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन कैसे किया? तो इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन लिख दिया, कलम उठाया और लिख दिया, और लिख के कर दिया वर्णन। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम सर। अब किसी को डाउट है? ठीक है, नहीं डाउट है, पूरा डाउट है। तो इब्न बतूता जो है एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम है रिहला। ऐसे प्रोनाउंसिएशन में लोग रिहला भी बोल देते हैं, लेकिन उसका बेसिकली नाम है RHLA, रिहला। ठीक है, तो रिहला पुस्तक में उन्होंने भारत के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, और उसमें बताया है कि नगर यहाँ के नगर प्रशासन में बाजार की व्यवस्था क्या थी। तो इंडिया में सबसे बड़ा बाजार वो बताया है दिल्ली को, वहाँ पर सब कुछ मिलता था, खाने के सामग्री से लेकर पीने की सामग्री तक। मतलब आप लोग कभी जाइएगा तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा पीने के लिए, हम आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं, पहले किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मिलता है, मतलब ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक, रेड कोल्ड ड्रिंक सब मिलता है वहाँ। समझ गए? ये हम बता रहे हैं, हमको घमंड नहीं। अब पहला है, दूसरा एक जिक्र किया है दौलताबाद। तो दौलताबाद का नया नाम जो है वह महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आज भी आपके इंडिया का सबसे बड़ा वैश्विक राजधानी है, व्यापार का राजधानी है, व्यापारिक राजधानी है। ठीक है, आज भी इंडिया का बिजनेस का अगर सेक्टर भी कहा जाए तो महाराष्ट्र मुंबई ही है, व्यापारिक राजधानी वही है। तो ये आज नहीं, उस समय से था जब इब्न बतूता जो है रिहला पुस्तक लिख रहा था, और उसने एक मुख्य दो शहरों के बारे में जिक्र किया है कि ये दो शहर थे जो व्यापारिक रूप से मजबूत थे, और उनका कहना था कि जो बाजार होते थे वहाँ एकदम बढ़िया चकचक रोड होता था, सड़कें होती थी, और उस सड़क पर भीड़ भाड़ होता था, मैंने वहाँ स्मार्ट लोग भी जाते थे, जो कम स्मार्ट लोग थे वो भी जाते थे, ताकि बाजार में जाओगे तो सामान सबको ना खरीदना है। मान चलो कि हम स्मार्ट हैं तो हमको कोई क्रीम पाउडर का जरूरत नहीं है, तो लेकिन हम तरकारी वगैरह खरीदने जाएंगे ना, और जो स्मार्ट नहीं है वो जाएगा हेनल लकड़ी खरीदेगा, फाउंडेशन खरीदेगा, खलाना ढकाना चिंगाना खरीदेगा, कोई लहसुन धनिया पुदीना अदरक खरीदेगा, बाबू सोना अदरक पुदीना सब खरीदना जाता है ना बाजार में। तो ये बताया था। उसके बाद वो क्या बताया था कि लगभग, सबसे खास बात कि लगभग जितना बाजार था सब में एक खासियत था, और खासियत ये था कि एक मंदिर अगर मस्जिद जरूर होता था। जैसे डालेंगे बाजार में चले जाओ, डालेंगे बाजार देखे हो तो डालेंगे बाजार में मंदिर है कि नहीं है? विष्णु मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उधर पीपल पास वो मंदिर है, कुआं पास मंदिर है, चार पाँच मंदिर हो गया। डालने बाजार में मस्जिद है कि नहीं है? छोटी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। तो बाजार की खासियत थी कि वहाँ मंदिर और मस्जिद जरूर होता, ये इब्न बतूता बताया। तो आप लोग भी जब एग्जाम लिखिएगा तो इब्न बतूता के बात को याद रखिएगा, कि बाजार की खासियत अगर बता रहे हैं तो बाजार में एक मंदिर और मस्जिद जरूर होता था। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न के पहले इसका आंसर सुन लीजिए। जैसे बाजार है तो बाजार में चंग मतलब नाच वाच भी होता था, डांस वांस का प्रयोग किया जाता था, नर्तकों का व्यवस्था होता था, और क्या होता था तो वहाँ पे संगीतकार जैसे साहे जैसे सुरीले गायक होते तो गाना ना भी गाते थे। हालांकि अलग बात था कि कभी कभी ज़्यादा ही सुरीला होने के बाद भीड़ भी भाग जाता था, ज्यादा लोग कहते थे कि बुला रहे चमर खानी जूता। उसके बाद संगीतकार के बाद क्या था तो वहाँ पे गायक लोग भी होते थे, जब मनीष कभी कभी गाता है ना तो पूरा मोहल्ला के लोग घर छोड़ के भाग जाते, तो गायक की व्यवस्था होता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे बताई गई थी। इब्न बतूता ने अपने रिहला पुस्तक में भी बताया कि कौशल जैसे लोग भी सुंदर सा दुकान खोलते थे जो काफ़ी सुशील होता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने अब मत लिख दीजिए कौशल दुकान खोला था, मैंने हम आप लोगों को समझाने के लिए इन एग्जाम्पलों का प्रयोग किए हैं।
तो इन सब चीजों को लिख दीजिए, वहाँ पे अच्छे दुकान होते थे, अच्छी सड़कें होती थी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती थी, वहाँ पे संगीत गायन चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता था। दौलताबाद भारत का सबसे बड़ा बाजार था, दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण बाजार था, बाजार का खासियत था कि वहाँ मंदिर और मस्जिद होना अनिवार्य था। ये सब बातें इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में लिखी हैं, जिसे आप रेहला भी कहते हैं, हालांकि रेहला एक हमारा शहर भी है बगल में, कौशल के गांव से पीछे, हमारे गांव से आगे, यानी कि दोनों के बीच में, जिसको रेहला बोलते हैं, विश्रामपुर पास। मिलते हैं।